सोना मैंना डोर है दादी को तभी लाई डोर दादी पहले नाम और दादी के तो घर ही के नीचे है भाई नदी दो तीन खेत नीचे नदी अब तो नदी का जो मुंह है और नदी ना यहाँ तक आई भाई यहाँ तक और यहाँ रास्ता देखिए कुछ नहीं है ये देखिए और यहाँ नीचे भी जाना खतरे से खाली मैं बोल रही हूँ यहाँ पे चली जाऊँ लेकिन यहाँ से तो दोस्तों आप लोगों को बता दूँ ये 2013 जैसा माहौल हो और बार बार ना रास्ते में लैंडस्लाइड होते रहते हैं जिसके कारण मैं कॉलेज नहीं गई। जंगल का रास्ता है, बारिश लगती है और नदी का जो मुँह है ना वो हमारे घर के इधर साइड को आ गया। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भर नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों अभी मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह की 9 बजे से हो रही है, ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया है और दोस्तों आज मुझे जाना था कॉलेज लेकिन नहीं गई। क्यों नहीं गई आप लोगों को बताती हूँ। वैसे ही आज मौसम देखिए भाई, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और सामने जो है ना डौलिया देवी पे ना वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहे हैं जिससे कि वहाँ रोड बार बार टूट रही है। तो अभी ना जेसीबी लगा हुआ है वहाँ पे रोड साफ करने पे, लगता है अभी रोड भी खुल गई है। और बार बार ना रास्ते में लैंडस्लाइड होते रहते हैं जिसके कारण मैं कॉलेज नहीं गई। जंगल का रास्ता है, बारिश लगती है और नदी का जो मुँह है ना वो हमारे घर के इधर साइड को आ गया है। तो मैंने सोचा अगर मैं जाने के लिए तो चले जाऊँगी कॉलेज, लेकिन बारिश रही और मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ेगा तो घर कैसे आ पाऊँगी, दूसरा रास्ता भी नहीं है। तो जिस कारण मैं कॉलेज नहीं गई, कल परसों तक देखते हैं। और आप लोगों का ये भी कमेंट रहता है अपने गांव का नाम और डिस्ट्रिक्ट भी बताया करो। तो मेरे गांव का नाम है रैल गांव जो कि केदार घाटी का सबसे छोटा गाँव है और डिस्ट्रिक्ट है रुद्रप्रयाग। हेलो, गुड मॉर्निंग राधे राधे, जैसे देखना कैसे हो आप लोग, सब अच्छे होंगे तो हम भी अच्छे हैं। तो हमारे गांव खदरा से भी कोई खाली नहीं है, अब सारी जगह दरार है, बढ़ गई है और सिर्फ यही खेत बची हुई है हमारे गांव के नीचे। जो मेरी सासुरों का घर है वहां का तो बिल्कुल एक खेत बची है, मतलब पूरी नदी ने उधर से काट लिया है और हमको तो बहुत बेकार दिन रहेगी हमारी। और कई लोगों का कमेंट था कि आप तो माँ बेटी दोनों मार के जा रहे हैं, तो हम तभी जा रहे हैं क्योंकि अपना जो खाने का सामान है वो रखते हैं सावन के महीने अपने लिए, क्योंकि हमारा जो पुल है वो उस पर पूरे वहाँ जहाँ तक हमारी खेत है वहाँ तक नदी आती है तो हमको आने जाने में दिक्कत होती है। चलिए जी आज आपको ना नीचे वाला रास्ता भी दिखा देते हैं। रास्ता भी नहीं है फाटा मार्केट जाने के लिए, मतलब उधर खेत में जाने का रास्ता है ही नहीं। आप लोगों को भी दिखाते हैं, जितना कि किसी ने तो कमेंट भी करना है तब झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। तो आप लोगों को ना नीचे रास्ता दिखाते हैं कैसा हो रखा है। लगभग 3-4 दिन हो गए हैं मंदाकिनी नदी का जो पानी है वो मटमीला साई है और पहले ना यहाँ नीचे पे नदी नहीं दिखाई देती थी उतना, जब ज़्यादा आती थी थोड़ा बहुत नदी का जलस्तर तो तब दिखाई देती, नहीं तो नदी पहले उधर की साइड थी। लेकिन अब मुँह ना इधर की साइड को हो गया है और डर भी लग रहा है अगर नदी का जलस्तर बढ़ेगा बारिश के कारण तो नदी यहाँ तक आ जाएगी। और यहाँ ना रास्ते में भी दरारें पड़ रखी हैं ये देखिए, और यहाँ ऊपर से भी देखिए वही कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है यहाँ पे। तो चलिए जी हम यहाँ से नीचे जाते हैं, बाकी यहाँ देखिए वही रास्ता और यहाँ पे है दादी। दादी प्रणाम, डर भी लगी भाई परसी सोना मैंने डर है दादी को तभी लाई डर। दादी प्रणाम, और दादी के तो घर ही के नीचे है भाई नदी, दो तीन खेत नीचे नदी, अब तो नदी का जो मुँह है राहुल गांधी चलते हैं यहाँ नीचे। बाकी दादी लोग ना घास के लिए जा रहे थे, बस नीचे मतलब घर के नीचे जो खेत दिखाई देते हैं वहाँ जा रहे थे घास के लिए। उन्होंने बोला कि हमें तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, तुम्हारा तो उतना नहीं है नज़दीक नदी, लेकिन हमारे तो सामने ही है और डर लग रहा है, रात को तो सोते भी नहीं है बस। तो बाकी आप लोगों को इधर का साइड दिखा दूँ मैं, यहाँ देखिए भाई तो नदी ने ना यहाँ तक पूरा वो किया मतलब घेरा, और यहाँ देखिए रास्ता भी पूरी तरह से टूट रखा है। और रास्ता भी देखिए हमने ना ये ऐसे पहाड़ पे बनाया था ना मम्मी जब काम लगा था, तो पहाड़ पर ये ऐसे पहाड़ पे ही बनाया गया है। जो रास्ता था उधर से था, हाँ वो उधर से था आपदा से पहले यहाँ पर सब घोड़े थे, बहुत नीचे थे
और तो हमारी सगोड़ों में ये गांव का रास्ता बना है हमारे लिए, गांव वालों के लिए, और फिर भी ऐसा है कि चलने के लिए हो जाता तो ठीक है, पर अब कैसे जाएंगे हम इधर उधर, रास्ता तो पूरे बंद हो रखे हैं। हाँ तो चलिए जी चलते हैं, बाकी यहीं तक है भाई रास्ता, यहाँ तक, बाकी उससे उधर पूरा। और नदी आई ना यहाँ तक आई, और ना जो नदी था ना वो नदी सीधा यहाँ ऊपर तक टच कर रही थी, और यहीं पे हमारा घर है, और ये कभी भी नीचे आ सकता है। और पानी देखिए भाई, हर तरफ से पानी ही पानी है, बाकी रास्ता पूरी तरह से तबाह हो रखा है। और नदी देखिए अब यहाँ रास्ते से ना काफ़ी नज़दीक दिखाई दे रही है, यहाँ देखिए काफ़ी सारी चीज़ें बह के आ रखी हैं, प्लास्टिक की बोतलें वगैरह सब बह के आ रखी हैं। बाकी यहाँ से एक वाटरफॉल दिखाई देता है जो कि यहाँ ऊपर पहाड़ियों से आता है। दोस्तों पहले यहाँ पे काफी सारी घास थी, लेकिन अब देखिए यहाँ नीचे सिर्फ पहाड़ है, चट्टान दिखाई दे रहा है, बाकी यहाँ नीचे काफी सारी रेत बह के आ रखी है। और सामने देखिए भाई ये मंजर देखे ना, अगर रात में दिखाई देता ना अगर यहाँ पानी, तो आप लोगों को भी जरूर बताते ब्लॉग में। लेकिन नदी देखिए काफी नदी, और अभी नदी का जो जलस्तर है ना वो कम भी नहीं हुआ है उतना, लेकिन काफी भयंकर आ रखी है भाई। हाँ ये देखिए यहाँ काफी सारी चीजें बह के आई, और आप लोग बोलते हैं कि मंदाकिनी नदी काफी साफ है ना मम्मी, और कभी केदारनाथ जाओगे ना आप लोगों को पता चल जाएगा कितनी साफ है। साफ है ऊपर से, जैसे ही ऐसे गंदगी करते हैं ना तो भोलेनाथ ऐसे ही करता, पूरा भेज जाता है, जो बोलते हैं ना कच्ची लकड़ी के साथ, सूखी लकड़ी के साथ कच्ची लकड़ी भी जल जाती है, तो ऐसे ही होता कि मतलब अच्छे बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी जाते हैं, तो ऐसे ही है यहाँ की नगरी भोलेनाथ की नगरी। तो यहाँ जैसे अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा होता है, अन्यथा ऐसे जो गंदगी जो यहाँ कोई भी होता है कुछ भी होता तो ये ऐसा खा के ले जाता, ऐसा विकराल रूप रखता है ये मंदाकिनी नदी। तो दोस्तों ना यहाँ रास्ता भी नहीं है, जिससे कि मैं इसीलिए आज कॉलेज नहीं गई, और अभी देखिए फिर से हल्की हल्की बारिश लगना स्टार्ट हो गया है। और आप लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि मोनिका जी आप कहीं सेफ जगह चले जाओ, तो आप लोगों को बता दूँ घर बनने में ना काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें जुड़ी हुई हैं घर में, और लास्ट में तो ऐसे ही होना है भाई, सड़क पर भीख मांगने जैसा होना है, तो हम अपना घर नहीं छोड़ सकते हैं भाई, जब तक ऊपर वाला नहीं ले गया तब तक क्या ही करें। लेकिन अपनी सेफ्टी हम रखेंगे, नदी आसपास देखेंगे, सावन के महीने ऐसे ही होता है, सावन के महीने हम ना सतर्क रहते हैं, ऐसा नहीं है रात को सोते नहीं हैं, दिन के टाइम सोएंगे लेकिन रात को सतर्क पर रहते हैं। तो आप लोग देखिए भाई यहाँ पूरा रास्ता बह गया है, आप लोग पहले ब्लॉग में देखते होंगे कि यहाँ काफ़ी अच्छा मतलब हो गया, बादल फटने के बाद रास्ता बन गया था, लेकिन फिर से देखिए यहाँ रास्ता नहीं बचा हुआ है फाटा मार्केट जाने के लिए। और नदी ना यहाँ तक आई भाई यहाँ तक, और यहाँ रास्ता देखिए कुछ नहीं है ये देखिए, और यहाँ नीचे भी जाना खतरे से खाली, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे चले जाऊँ लेकिन यहाँ से सीधा नीचे गिरूंगी, और यहाँ देखिए काफी सारी लकड़ियाँ बह के आ रखी हैं, और यहाँ को देखकर काफी ज्यादा डर भी लग रहा है। बाकी उधर देखिए भाई भैया लोग ना कुत्ते की देखभाल करते हैं वहाँ, बता दूं ये 2013 जैसा माहौल हो गया है भाई, 2013 में भी ऐसी आपदा आई थी और नदी का पानी इतना ही आया था, यहाँ से ऊपर से भी टूटा, इधर से मतलब सब जगह से टूटा, और उधर खेत में जाने के लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, और हम ना यहाँ ऐसी जगह पे फंस गए हैं ना, अगर ना नदी आएगी भी ना, हमारे गाँव में पुल है अभी लेकिन हम पुल तक नहीं जा सकते, ऊपर से कभी भी टूट सकता है, इसलिए एक ही जगह पर रहेंगे सुरक्षित, अगर टूट फूट होगी तो उधर की साइड भागने के लिए होता है, उधर की साइड भी क्या ही बोलना भाई, उधर की साइड भी एक गधेरा है जो कि काफ़ी भयंकर आता है, और कभी भी कहीं भी टूट सकता है, कहीं भी लैंडस्लाइड हो सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है किसी भी जगह का। और यहाँ देखिए मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग काफ़ी डरावना माहौल है, 31 जुलाई को ना काफ़ी तबाही मची हुई यहाँ, तबाही ही तबाही। तो मेरा ना आज कॉलेज का भी लॉस हो गया है, कॉलेज जाना था एडमिशन करने के लिए फाइनल में, तो क्या ही बोलना भाई कैसे जाऊँ, लेकिन मम्मी बोल रही है जिंदा रहेंगे तो कॉलेज में दोबारा भी कर सकती है बोल, तो अब चलते हैं घर की तरफ, और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है, और काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा है भाई यहाँ रहने के लिए, लेकिन ऐसा है अपना घर छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते हैं, गाय है उनमें भी हमारी तरह प्राण है, मतलब
अब चलते हैं घर की तरफ। और सामने जो खेत दिखाई दे रहे हैं ना, तो वो हमारे खेती बाड़ी है। वहाँ हमारा ना सिर्फ दो ही खेत हैं और कुछ टूट गए हैं, और नदी का पानी उधर तक आ रखा था और इतनी भयंकर आवाज़ आ रही थी रात को। बाकी जो वाटरफॉल दिखाई दे रहा है वो भी काफ़ी ख़तरनाक आता है। बादल वहीं फटा था पिछले साल, जिससे कि इतना भयंकर पानी आया, इधर उधर सब टूटा भाई। तो दोस्तों ये वाला रास्ता जाता है गांव के लिए, और मिट्टी खिसक के देखिए भाई, यहाँ नीचे तक आ रही है और रास्ता ऐसा बारीक सा हो रखा है यहाँ, बाबरे। और यहाँ नीचे देखिए दरारें पड़ रखी है, और यहाँ ऊपर पे है हमारा घर, और यहाँ पे देखिए पूरी मिट्टी नीचे को खिसक रखी है। आपने बोला था कि नदी वाला आपके घर से काफ़ी दूर है, तो यहाँ से भी देखिए टूट रहा है और ऊपर पे ही घर है। अगर ये नीचे खिसक गया ना पूरा, तो घर भी टूट सकता है। और नदी तो यहाँ अभी देखिए काफ़ी नज़दीकी है। तो अभी चलते हैं इस वाले रास्ते से घर की तरफ, और ये वाला रास्ता गांव के लिए जाता है। और यहाँ पे हमारा सगोड़ा, तो यहाँ पे देखिए मिर्ची की क्यारी है, काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। यहाँ पे है हमारी गोबर की मरास, मतलब जहाँ पे हम कच्चा लेदूर डालते हैं, बाद में ये खाद बन जाती है, इसी को खेतों में डाला जाता है। तो चलते हैं। बाकी नीचे देखिए भाई, झंगोरे में भी बालियाँ आनी स्टार्ट हो गई हैं। तो मम्मी देख लिया आपने नीचे रास्ता, तब बोल रही थी कॉलेज जाती मैं ना। कॉलेज कैसे जाना है हमारे बच्चों के लिए, तो बहुत परेशानी है यहाँ। आ तो चले गए इंटर कॉलेज वाले बच्चे, तो चले गए हैं जो 6 साल से और इंटर तक पढ़ने वाले बच्चे तो चले गए हैं आज। वहाँ पर थे उनके मम्मी पापा जो भी घर में सदस्य होंगे, उन्होंने निकाले हैं बच्चे, तो चले गए हैं। अभी बारिश तो बहुत बहुत परिणाम रास्ता लगाओ हमारे यहाँ के लिए। भाई साहब डर के मारे यहाँ, डर भी लगा आपको? और ताऊ जी बोले तुम यहाँ कैसे रहते हैं? हाँ जल्दी जाओ घर, अभी बारिश आती है। जी थे ना तो मैखंडा से हैं, बाकी ना वो यहाँ देखने आए थे, मतलब बोल रहे हैं कि रास्ता लगाना है, बस तो मेरे को लेवर लाने के लिए होता है। लेकिन मैं यहाँ आया हूँ, मेरे को डर लग रहा है। बता दीजिए ने ऐसे ही मजा किया, अपनी स्कूटी लेके आते बन यहाँ, तो ऐसे ही हंस रहे थे। तो अब रास्ता भी लगेगा हमारे यहाँ जैसे ही मौसम ठीक होगा, लेकिन अभी तो आसमान में पूरी तरह से काले बादल पैक हो गए हैं। दोस्तों चलिए जी, घर आने के बाद मैं नहाई, गाय को अंदर बांधा, और मम्मी ने ना तब तक लंच भी बना के तैयार कर दिया है। अब गर्मा गर्म लंच का आनंद लेते हैं। और आज देखिए मौसम लगता है आज भी काफ़ी भयंकर बारिश आने वाली है। और लंच हमने बना रखा है लकड़ी वाले किचन में, तो मम्मी ने यहाँ पर ना भात बना रखी है, साथ में है दाल, तो अब मम्मी यहाँ पर परोसेगी।